लाइफ स्पान। हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 का लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि के बारे में बताएंगे, जो इसका कंप्लीट नोट्स है। तो लाइफ स्पान, व्हाट इज लाइफ स्पान? इसको हिंदी में जीवन अवधि कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पान। द पीरियड मतलब अवस्था, समय, फ्रॉम बर्थ जन्म लिया है तब से, टू द नेचुरल डेथ जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु, ये नहीं कि किसी एक्सीडेंट में मर गया, वो नहीं, जन्म से लेकर प्राकृतिक रूप से मरा उसके बीच के अवधि को उस ऑर्गेनिज यानी जीव का जीवन अवधि यानी लाइफ स्पान कहेंगे। हिंदी बोले तो किसी जीव का जन्म से लेकर, जो जन्म लिया तब से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक रूप से मर रहा है उसके बीच के समय अवधि को लाइफ स्पान कहेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। द लाइफ स्पान यानी लाइफ स्पान है किसी जीव का, वो वैरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सभी जीवों का लाइफ स्पान, जीवन जिंदा रहने के लिए जितना अवधि है वो सभी का अलग अलग होता है। और इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज, शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी, साइज के अनुसार गोला, छोटा, फिर शेप के अनुसार कौन सा शेप है, समझ गया, और कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता के अनुसार ऐसे इंडिपेंडेंट होता है। और सभी जीवों का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। हिंदी बोले तो सभी जीव बोले तो ऑल ऑर्गेनिज्म का जीवन अवधि, जीवन अवधि ने लाइफ स्पान भिन्न होता है, हमने बताया भिन्न होता है, सभी जीवों का जीवन अवधि भिन्न होता है। अभी हम चलेंगे कि सभी जीवों के बारे में चलेंगे, सभी जीवों का जीवन अवधि के बारे में हम अभी भी चर्चा करेंगे। लाइफ स्पान यह जीवों के आकार से संबंध नहीं रहता है। अब हम चलेंगे, लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि डिपेंड्स अपॉन 3 स्टेज। कौन कौन सा 3 स्टेज पर डिपेंड करता है? पहला है जुवेनिलिटी यानी जवानी। जवानी हम किसे कहेंगे? जन्म से लेकर ऐसो और मैच्योर होने तक के बीच की अवस्था को जवानी कहेंगे, जुवेनिलिटी। दूसरा है मैच्योरिटी, परिपक्वता, वैसा स्टेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके, बच्चे को जन्म कर दे सके, उस अवस्था को कहेंगे मैच्योरिटी, परिपक्वता। थर्ड आता है एजिंग एंड सेनेसेंस। एजिंग का मतलब उम्र का बढ़ना, उम्र का ढलना, और सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा होना। सेनेसेंस का ऐसा अवस्था होता है जो वृद्ध हो जाता है और जिसमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसे अवस्था को सेनेसेंस यानी बुढ़ापा कहेंगे। अब हम यहाँ जो NCERT का जो फिगर है वो हम लिए हैं, और सभी का जीवन अवधि हम बताएंगे, हाथ है कितना, गुलाब का कितना, तो ये सिलसिलेवार रूप से हमने एक कॉपी में लिखकर दर्ज किया हो कि क्रोप्ड क्रोप यानी फसली पादप जिसमें राइस, व्हीट इत्यादि आएगा, यह है 4 से 6 महीना के लिए होता है। दूसरा है रोज यानी गुलाब। गुलाब है 10 साल के लिए लाइफ स्पान है। बनाना यानी केला, इसका लाइफ स्पान 25 साल है। ह्यूमन मनुष्य, इसका 100 साल है, 60 से 100 बोला जाता है, करीब करीब 100 बोल दिया जाता है। फिर पैरट यानी तोता का लाइफ स्पान है 150, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का 55 साल। ये सब जो हम पॉइंट लिया हूँ यह NCERT का है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोकोडाइल जिसे मगरमच्छ बोलेंगे, इसका जीवन अवधि 55 साल है। टोर्टवाइज यानी कछुआ, इसका जीवन अवधि 150 साल। व्हेल जो पानी में रहता है, बहुत बड़ा होता है, जो मैमल ससंधारी होता है, इसका जीवन अवधि 40 साल है। एलिफेंट बहुत विशालकाय जंतु है, लेकिन इसका जीवन अवधि 60 से लेकर 75 ईयर्स है। कैट यानी बिल्ली, बिल्ली का जीवन अवधि 40 वर्ष है। जो बाकी मौसी कहलाती है बिल्ली, जिसका जीवन अवधि 40 साल है। रैबिट खरगोश, इसका जीवन अवधि 35 साल है। हॉर्स यानी घोड़ा, जो 50 साल के लिए जिंदा रहता है, जो घास और चन्ना का फेवरेट भोजन है। पिजन यानी कबूतर, या पिजन कबूतर है 135 साल के लिए जिंदा रहता है। पिजन कबूतर 35 साल के लिए जिंदा रहता है। नेक्स्ट हम चलेंगे कैटल, जिसमें गाय आएगा, बैल आएगा, ये 26 साल के लिए जिंदा रहता है, एवरेज 26 साल। क्रो यानी कौवा, यह 15 साल के लिए है। अर्थ और
केचुआ जो किसान का दोस्त कहलाता है जमीन के अंदर रहता है, इसका जीवन अवधि 6 साल है। कॉकरोच जो तेलचट्टा बोलते हैं तेल के अंदर रहता है और तेल को पीता है, ये तिलचट्टा कहलाता है, इसका जीवन अवधि 1/2 ईयर है। डोमेस्टिक फ्लाई जिसे हाउस फ्लाई कहते हैं, घरेलू मक्खी माछी जिसको माछी बोलते हैं, भन भिन करते रहता है घर में, वो घरेलू मक्खी का जीवन अवधि 1 से 4 मंथ है। बटरफ्लाई यानी तितली यह 1 साल के लिए जिंदा रहता है। नेक्स्ट हम चलेंगे डॉग यानी कुत्ता जो घर का रखवाला होता है 25 साल के लिए जिंदा रहता है। गौ यानी गाय 25 साल के लिए जिंदा रहती है। गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ याद करना है। बनियन ट्री जो है 200 से 300 साल ईयर्स के लिए जिंदा रहता है। सिकोया बहुत अधिक दिनों तक, इसे रेड वुड ट्री भी बोलते हैं, यह 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।